Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Today topic covers our introduction to machine. What is computer? Features of computer. Working of a computer. Types of computer. Introduction. There are many gadgets which has computer in them, like monitor, microwaves, and smartphones. Now, what is a computer? A machine that works on electricity. Number second takes instructions for us and gives the result after processing. Number third, it is used in our day-to-day life. You know that a computer is an electronic device. लेकिन ये electronic device तो है, लेकिन इससे कुछ बढ़ के भी है. ये हमसे instructions लेता है और फिर हमें result provide कर देता है after processing. ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है. हर एक फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. नाउ वी मूव आवर फोर्थ स्टेप. इट मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर. ये हमारे काम को और भी फास्टर बना देता है. नाउ वी डिस्कस इट्स फीचर्स. इट्स अ मैन मेड मशीन. इट्स वर्क इजियर एंड फास्टर. डू कैलकुलेशंस. डिस्क मेमोरी मीन्स ये बहुत सारे चीज़ों को याद कर सकता है. हमारी मेमोरीज इसकी मेमोरी तेज होती है. नेवर गेट ट्राइड. कभी भी ये थकता नहीं है. मुस्तकिल मशीन है तो मुस्तकिल ये काम करता है. मल्टी टास्किंग एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट. मल्टी टास्किंग एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट. और हमें एक्यूरेट रिजल्ट भी दे देता है. नाउ फीचर क्या है? मैन मेड मशीन है. काम को आसान बनाता है. कैलकुलेशन करता है. बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकता है. कभी तकता नहीं है. एंड मल्टी टास्किंग. नाउ कंप्यूटर वर्क. इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल IPO साइकिल. आई स्टैंड फॉर इनपुट. पी स्टैंड फॉर प्रोसेस. एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट. इनपुट मीन कि हम उसे क्या डेटा दे रहे हैं, क्या इनपुट हम उसे दे रहे हैं. प्रोसेस मीन वो प्रोसेस क्या कर रहा है, वो वर्क क्या कर रहा है उसके ऊपर. आउटपुट मीन वो हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, जो उसने प्रोसेस किया है उसका रिजल्ट क्या दे रहा है. फॉर एग्जांपल, मेकिंग ऑरेंज जूस यूजिंग अ जूसर. वॉशिंग क्लॉथ्स इन अ वॉशिंग मशीन. ग्रेलिंग अ ब्रेड. एडिंग टू नंबर्स. कंप्यूटर IPO साइकिल की प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है. इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. Now, for example, preparation of Maggi noodles. First step input, process, and then we get output, our result. Input mera yahan pe kya hoga? Packets of Maggi plus container plus water. Container mein main water dalu. Process mein main kya karungi? Wahi container mein chule pe rakh dungi pakane ke liye. Output mera kya hoga? Output mein mujhe cooked noodles mil jayenge. मेरे क्या हो गया? ये मेरा आउटपुट बन गया. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. राइट डाउन द IPO साइकिल फॉर द फॉलोइंग. क्या करना है? जो आप लोग को ये तीन चीजें नजर आ रही है, इसके लिए हमने IPO साइकिल को करना है. फर्स्ट वन क्या है? वॉशिंग मशीन है. इसके लिए हमने इनपुट क्या देना है, प्रोसेस क्या देना है, आउटपुट क्या देना है. वॉशिंग मशीन में इनपुट में मैं डर्टी क्लॉथ्स दूंगी, डिटर्जेंट दूंगी. प्रोसेस मेरा वर्किंग वॉशिंग हो जाएगा. आउटपुट में मुझे क्लीन क्लॉथ्स मिल जाएंगे. सेकेंड वन क्या है कि मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है. तो इनपुट में मैं वही दो नंबर्स दूंगी, प्रोसेस में एडिशन लूंगी, आउटपुट में मुझे दो नंबर का सम मिल जाएगा. थर्ड वन, पेंसिल को शार्प करना है. तो मैं पेंसिल लूंगी, शार्पनर लूंगी, प्रोसेस मेरा क्या होगा, शार्पिंग होगा. आउटपुट पे मुझे क्या मिल जाएगा, शार्प पेंसिल मिल जाएंगे. क्या मिल जाएंगे? शार्प पेंसिल मुझे मिल जाएगा. नाउ टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की टाइप्स के बारे में मैं कुछ बताती चलूँ यहाँ पे. नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर. सेकेंड वन लैपटॉप. थर्ड वन लैपटॉप. फोर्थ वन टैबलेट. फिफ्थ वन स्मार्ट गैजेट. सिक्स्थ वन एम्बेडेड कंप्यूटर. नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर व्हिच आर किप्ड ऑन अ डिस्क. कॉम
commonly known as personal computer. इसको हम क्या कहते हैं? Commonly हम इसको personal computer कहते हैं. PC जो हम कहते हैं इसे. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? जिसको हम डेस्क पे रखते हैं और हम उसे क्या कहते हैं? कॉमनली हम उसे पीसी कहते हैं. यूज एट होम एंड ऑफिसेस. होम और ऑफिसेस में यूज होता है. नाउ लैपटॉप. लैपटॉप इज अ स्मॉल कंप्यूटर कैन बी केप्ट ऑन लैप व्हाइल वर्किंग. लैपटॉप क्या है? स्मॉल कंप्यूटर है. इट्स कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वायरलेस है. वर्क विद द हेल्प ऑफ बैटरीज. बैटरी से काम करता है. लेटेस्ट इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ लैपटॉप इज नॉट पैड. लेटेस्ट मॉडल इसका क्या है? नॉट पैड है, जो भी आप लोग को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है. नाउ वी मूव टू फॉर्मलेट. फॉर्मलेट बिगर देन मोबाइल फोन्स बट स्मॉलर वर्जन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर. मोबाइल से तो बड़ा है लेकिन लैपटॉप से कम स्पेस लेता है. कैन फिट इन द फॉर्म. स्टोर लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन. एड्रेस कंटेक्ट एटसेट्रा. वर्क इज एन इलेक्ट्रिक डायरी. इट इज वेरी यूजफुल फॉर बेसिक वर्क इन बिजनेस. टैबलेट. इट इज स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इट इज अ काइंड ऑफ पोर्टेबल मशीन. It is a small computer equipped with digital camera and microphones. Work on touch screen technology. Tablet एक small computer है जिसमें digital camera भी है और touch screen technology पे ये काम करता है. Smart gadgets also work like computer. Can use them to access internet, do calculation, play music, watch movies, etc. Smart gadget में वो सब चीज़ें जो आप लोग एक कंप्यूटर में करते हो. For example, आप लोग क्या देखते हो? स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच में आप लोग वो सब गैजेट आप लोग की मौजूद होते हैं जो कि एक कंप्यूटर में होते हैं. स्मार्ट टीवी. स्मार्ट टीवी में भी वो सब गैजेट होते हैं जो आप लोग अपने कंप्यूटर में देखते हो. नंबर थर्ड, स्मार्टफोन्स. उसमें भी सारे गैजेट मौजूद है जो कि एक कंप्यूटर में होते हैं. एम्बेडेड कंप्यूटर्स. एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या है? आप लोगों ने अपने वॉशिंग मशीन में, अपने माइक्रोवेव ओवन में बटन्स देखे हुए होंगे. वॉशिंग मशीन में कौन से बटन होते हैं? हम जो वॉशिंग के लिए टाइम दे देते हैं. माइक्रोवेव में भी टाइमिंग के लिए अलग बटन होते हैं. तो जब हम बटन प्रेस करते हैं तो उसी एग्जैक्ट टाइम में वही हमारा प्रोसेस डन हो जाता है. वो कैसे डन होता है? क्योंकि वहाँ एम्बेडेड कंप्यूटर फिक्स होते हैं जो जिसमें प्रोग्राम ऑलरेडी रन हुए होते हैं, तो उसी के थ्रू वो फिर वर्क करता है जो टाइम हम उसे देते हैं. होप आज का लेक्चर आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा.